हेलो फ्रेंड्स, आज आपके इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगा, सिर्फ बात करूंगा, लेक्चर नहीं दूंगा मैं कोई, उसका नाम है इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। देखिए, सोशियोलॉजी में ये जो टॉपिक दिया गया है ना, ये इतना वेग है कि इसमें बहुत से इश्यूज हैं और कहाँ तक इसको पढ़ते चले जाएँ, ठीक है, क्योंकि अगर एक एक इश्यूज को डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो शायद ये सिलेबस कभी कवर ही नहीं होगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको ईजी करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसकी जो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं बता रहा हूँ। मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि एक सोशियोलॉजिस्ट भी सामाजिक बीमारियों का डॉक्टर है, और जिस तरह एक डॉक्टर एक ह्यूमन डिजीज के बारे में सोचता है, वैसी सोच एक सोशियोलॉजिस्ट की भी होती है कि सामाजिक जो इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी उनके पीछे जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो अप्रोच है, वो सोशियोलॉजिस्ट की कैसी हो सकती है। तो हमें बेसिकली उस अप्रोच को पकड़ना है। अगर आपने उस अप्रोच को पकड़ लिया ना, तो एग्जाम में कोई भी इश्यूज आएगा तो उसके ऊपर एक अच्छा कंसेप्चुअल आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो सो देखिए देखिए, अगर कोई स्पेसिफिक वे में पूछ लिया, कोई पॉइंट पूछ लिया, कोई ऑब्जेक्टिव या फैक्ट पूछ लिया, तो बात अलग है। देखिए दोस्तों, मैं जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, उसकी लेजिटिमेसी दो बुक है। एक तो ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, ये हिंदी मीडियम में भी मैंने पढ़ी है इसको, क्योंकि इंग्लिश में तो अच्छा मैटर नहीं था, फिर इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक रेफरेंस बुक और ली थी, वो है सोशियोलॉजी की बुक है ये, ठीक है। इस बुक के अंदर मुझे जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के, वो अच्छे से थोड़े देर डिटेल में मिल गए थे। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स। ओके, सोशल प्रॉब्लम्स, तो ये जो इसमें है ना, बेसिकली जो सोशल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है कन्वेंशनल और एक है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोशल इश्यूज जो हमारी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक चले आ रहे हैं, वो पता नहीं अब वो कितना चलेंगे, गॉड नोज, भगवान जाने, ठीक है। इनमें जो है जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे जो वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, SC ST एंड BC इशूज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव हमारे यहाँ अभी भी होता है ना, अल्कोहलिज्म। ओके, वहीं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चाइल्ड मैरिजेस, सोशल इविल्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज, जैसे कि मोदाना प्रथा, दाफा, नादरा, कुकड़ी की रस्म, इस तरह की इनकी कुछ बुराइयां हैं ना, जैसे ये लोग मृत्यु भोज जिसे मोसर भी कहते हैं, ठीक है। और वहीं कास्टिज्म, बिल्कुल हमारे राजस्थान की आबो हवा में कितना गहरी है इसकी जड़ें, इस कास्टिज्म में कुछ कहना, इसके ऊपर कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो ये राजस्थानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ सोशल इश्यूज हो जाते हैं। वहीं अगर मैं नॉन कन्वेंशनल इश्यूज की बात करूँ, जो इस वक्त अब उठे हैं आज़ादी के बाद, जब से हमारा इकोनॉमी में चेंजेस आया, पॉलिटी में चेंजेस आए, या सोशल अवेयरनेस बढ़ी है, या फिर जो सोशल डिसहार्मोनी बढ़ी है, उसकी वजह से जो भी अब जो इश्यूज सामने आए हैं, उनमें से एक है जैसे यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन। देखिए, अभी हाल ही में हमारे साथियों ने जो एग्जाम की डेट को पोस्टपोन कराने के लिए जो प्रोटेस्ट किया था, वो बेसिकली यूथ रेस्ट एंड एजिटेशन का एग्जाम्पल है। और देखिए, जैसे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, अक्सर वो हड़ताल पर चले जाते हैं ना, बिल्कुल अपनी मनमानी करते हुए, तो वो भी यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अक्सर ऐसे बच्चे जो माँ बाप जल्दी मर जाते हैं, अनाथ या अनाथ हो जाते हैं, या उनके ऊपर कोई गार्जियन का केयर टेकिंग नहीं करता है, तो वो लोग है ना क्राइम में इंडल्ज हो जाते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, सेक्सुअल ऑफेंसेस में वो इंडल्ज हो जाते हैं, जो जेब कतरी में, उसे हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट है LGBTQ होमोसेक्सुअलिटी, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना लिबरल एक प्रोग्रेसिव डिसीजन इनके ऊपर दिया है, इनकी समस्याओं के ऊपर। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप, इस वक्त हमारे समाज में है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग अभी भी कंजर्वेटिव मेंटेलिटी में जी रहे हैं। नेक्स्ट है एडल्ट्री, गैर वैवाहिक संबंध, इसके ऊपर भी इतना अच्छा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया अभी एडल्ट्री के ऊपर। डाइवोर्स, जो कि वुमन राइट की बात कर रहा है, जो हम ट्रिपल तलाक एनरोल हम बात कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो मुद्दा चल रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंशियली एबलेट, दिव्यांगों की समस्याएं, दिव्यांगों के लिए समस्या, जैसे सुगम्य भारत अभियान हमने लॉन्च किया हुआ है, और बहुत सी इन्हें कुछ फैसिलिटीज भी दी जा रही है, शायद इनको आरक्षण भी दिया गया है आई थिंक, है ना, दिव्यांगों को। तो नेक्स्ट है सैरोगेसी, देखिए अभी सैरोगेसी के ऊपर एक्ट भी आ गया है, अभी 2 दिन पहले ही एक्ट बना है 2016, जिसमें कह दिया गया है कि भाई जो NRIs हैं वो ही सैरोगेसी मदर ले सकते हैं इंडिया में, अब फॉरन जो फॉरनर्स हैं वो इंडिया में आके सैरोगेसी मदर हायर नहीं कर सकते हैं, और वो जो जो कपल कोई जिसकी शादी को 5 साल हुआ है वो इनफर्टाइल है, तो वही सैरोगेसी की हेल्प लेगा, और वो स्पेशली अपनी क्लोज रिलेटिव को ही ऐसे सैरोगेट को बनाएगा, राइट, और फिर उसके ऊपर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो इस तरह कुछ अभी एक्ट बनाया है सैरोगेसी। देखिए ये एक्ट का जो अभी नाम आया है ना, ये एग्जाम के पोस्टपोन होने के बाद ही आया है, तो आई थिंक एग्जाम के पेपर में ये एक्ट अभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ब्लैक मनी, करप्शन, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूजमेंट। देखिए चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूजमेंट तो लॉ पेपर, जो लॉ पेपर है वो कवर कर लेता है, करप्शन ब्लैक मनी को हमारे एथिक्स वाला पोर्शन कवर कर लेता है, बाकी ये जो पोर्शन है ना,
ये एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बन सकती है वो है SC ST BC इश्यूज, क्योंकि हमारे जो समाज के वीकर एंड वल्नरेबल सेक्शंस है ना, इनके इनके लिए हमेशा हम एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलते हैं, ठीक है। हमेशा इनके प्रमोशन की हम बात करते हैं और करनी ही होगी इनकी बात, क्योंकि वाकई में जरूरत है इनको, है ना। देखिए डिबेट मत करना कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझसे कोई, ठीक है। ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हमारा काम सिर्फ ये है कि समझना और पढ़ना, ठीक है। ये किसी और का काम है, हमारा काम तो नहीं है अभी। नेक्स्ट देखिए जो चाइल्ड मैरिजेस सोशल इविल्स है एसटी कम्युनिटीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और अगर अभी अगर नॉन कन्वेंशनल में देखें तो LGBTQ होमोसेक्सुअलिटी का जो इशू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। एडल्टरी पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वहीं डिफरेंशियली एबलेट जो दिव्यांगों की समस्या है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अब इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह, या तो सोशियोलॉजिस्ट क्या सोचता है कि भाई कोई भी अगर सोशल इशू है तो वो कहाँ से पनपा है, क्या उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या क्या उसका सोशल इकोनॉमिकल रिलीजियस पॉलिटिकल कॉजेज है क्या कोई उसका, ठीक है। चलो अगर सोशल इश्यूज है तो उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, वो इस एंगल से सोचता है। फिर ये सोचता है कि अगर ये इश्यूज बना है तो क्या गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है क्या, अगर इसके लिए कोई प्रयास के में कमी है तो कमी क्या है, और हम अपनी तरफ से क्या सजेशन दे सकते हैं। तो अगर इस एंगल से सोचा जाएगा ना तो आंसर बन जाएगा ऑन द स्पॉट, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, टाइम की फिजिबिलिटी है आपके पास, तो इसमें है ना क्या करिए, हर एक टॉपिक के ऊपर है ना 5 5 10 10 पॉइंट तैयार कर लीजिए, और 5 5 10 10 पॉइंट को ही आपको याद रखने हैं ना हर टॉपिक के ऊपर। इस पे जिसमें मैंने भी जो सर्किल लगा रखा है ना उन्हें स्पेशली एम्फेसिस देके चले जाइए, इनके ऊपर 10 10 पॉइंट बना लीजिए कि हमें क्या पॉइंट इसमें मेंशन है, पॉइंट किस सेंस में बनाओगे, इसके कॉजेस क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटर रिड्रेसल मेजर्समेंट क्या दिए गए हैं, और आप और हम क्या सजेशन इसमें दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप ये प्रिपरेशन कर लोगे तो शायद ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली भी कोई क्वेश्चन आ गया, कोई फैक्ट पे क्वेश्चन आ गया तो उसका तो कोई कह नहीं सकता देखो, और इतना रिस्क तो लिया जा सकता है, अगर इसको अगर इतना करने बैठेंगे तो शायद एक जन्म भी कम पड़ जाएगा इस सिलेबस के लिए। तो गाइज थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ।